तो गाइस आप लोग मतलब जावा एडिशन और पॉकेट एडिशन के बीच लड़ाई करवा के ही मानोगे है ना। इस वीडियो में मैंने एक लाइक गेम लगाया था जिसको कंप्लीट करने में आप लोगों ने भाई एक दिन का भी टाइम नहीं लिया। जलवा है हमारा। So, यह वादे के अनुसार आज मैं लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन और पॉकेट एडिशन के बीच कुछ गेम प्ले डिफरेंसेस। बाकी भाई आप लोग कौन सा एडिशन खेलते हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। देखते हैं भाई कमेंट में किस एडिशन का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है। और हाँ, अगर आप लोग को इसके और भी पार्ट्स चाहिए जिसमें मैं आप लोग को इनके हिडन डिफरेंसेस बताऊं तो उसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है। इस वीडियो का लाइक मैं 700 लाइक का लगा रहा हूँ, आप लोग को फटाफट से इस वीडियो में एक लाइक कर देना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो जो हमारा पहला डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लाइक अगर हम लोग जावा एडिशन में कहीं भी पानी में डूब के मरने वाले हैं तो हम लोग पानी के अंदर एक डोर लगा के और उसके अंदर जाके हम लोग सांस ले सकते हैं, जो कि इनलॉजिकल तो जरूर है लेकिन एक बहुत ही मस्त फीचर है। परंतु वही दूसरी तरफ अगर हम लोग बेडरॉक एडिशन या पॉकेट एडिशन में कहीं पानी में डूब के मरने वाले हैं और हमारे पास डोर भी रहे और अगर हम लोग उसको लगाएं और उसके अंदर जाके सांस लेने का ट्राई करें तो यहाँ पर हम लोग को सांस मिलता तो नहीं, उल्टा हमारा सांस निकलने लगता है, जो कि यहाँ पे लॉजिकल तो जरूर है लेकिन यहाँ पे एक अच्छा फीचर नहीं है ये। ओके, तो जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो हम लोग को जावा में एक बहुत ही मस्त फीचर मिलता है जिसका नाम है स्वीपिंग एज। और ये फीचर हमारे काफी ज्यादा काम भी आता है और ये स्पेशली भाई मॉब एक्सपी फार्म में तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग भाई एक साथ 3-4 ज़ॉम्बीज़ को इजीली डैमेज दे सकते हैं। बट ये इतना यूजफुल फीचर बेडरॉक एडिशन में मिसिंग होता है। लाइक मिल सकता है अगर हम लोग कोई मॉड्स वगैरह लगाए तो अगर आप लोग ऐसे मॉड्स चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन बेडरॉक में स्वीपिंग एज की जगह पे होता है स्पैम क्लिक और स्पैम क्लिक करके भी हम लोग मॉब्स को बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी जल्दी मार सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी स्वॉर्ड में बिल्कुल भी कूल डाउन नहीं लगता है। परंतु वही जावा एडिशन में जब हम लोग किसी भी चीज को एक बार हिट करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा कूल डाउन देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे स्पैम क्लिक तो नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इसका तो आप लोग ही डिसाइड करना कि आप लोग को बेडरॉक का स्पैम क्लिक ज्यादा अच्छा लगता है या फिर जावा का स्वीपिंग एज। ओके, तो जो हमारा अगला डिफरेंस है वो ये है कि पॉकेट एडिशन को हम लोग पॉकेट में भर के ले जा सकते हैं और जावा एडिशन को हम लोग पॉकेट में भर के नहीं ले जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ गाइस, कोई दिल पे मत लेना। बाकी अगर आप लोग एक्सटर्नल डिफरेंसेस जानने हैं तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, तो इन दोनों एडिशन के बीच जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस निकल के आता है वो ये है कि हम लोग जावा एडिशन के अंदर अपने लेफ्ट हैंड में कुछ भी चीज पकड़ सकते हैं, लाइक कुछ भी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? गाइस कोई भी ब्लॉक वगैरह पकड़ सकते हैं और ऐसे जगलिंग भी कर सकते हैं, वैसे इसको जगलिंग ही बोलते हैं ना। और बस यही नहीं, हम लोग लेफ्ट हैंड से इन सब चीजों को प्लेस भी कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन वही बेडरॉक एडिशन में इस फीचर को लेके एक बहुत ही बड़ा लफड़ा है। जावा एडिशन में हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं और बेडरॉक एडिशन में हम लोग अपने ऑफहैंड में कुछ भी नहीं पकड़ सकते हैं, मतलब कुछ दूसरे ब्लॉक तो छोड़ो टॉर्च भी नहीं पकड़ सकते हैं। अगर बेडरॉक एडिशन में हम लोग अपने ऑफहैंड में कुछ पकड़ सकते हैं वो या तो सील्ड है या फिर टोटेम और भी एक दो चीज होगा जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि पॉकेट एडिशन में भी एक मॉड रहता है जिसकी मदद से हम लोग अपने ऑफहैंड में टॉर्च पकड़ सकते हैं, लेकिन उस मॉड से होता ये है कि हमारे अचीवमेंट ऑफ हो जाते हैं। ओके गाइस, तो अब जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस होने वाला है वो थोड़ा सा विवाद वाला डिफरेंस होने वाला है। लाइक जावा एडिशन इज मच इजियर देन पॉकेट एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन। खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब देखो, जिन्होंने दोनों एडिशन खेल रखे होंगे वो लोग तो मेरी बात से एकदम डेफिनेटली एग्री करेंगे और जिन्होंने भाई दोनों एडिशन नहीं खेले हैं उनको मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो इस वीडियो में मैंने मारा था विदर को पॉकेट एडिशन में और यहां पे आप लोग मेरा हाल देख ही सकते हो कि विदर ने मेरा क्या हाल किया था। और इस वाली वीडियो में मैंने विदर को मारा था जावा एडिशन में, तो आप लोग दोनों वीडियो जाके देखो तो आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा कि जावा एडिशन क्यों इजी है पॉकेट एडिशन से। तो गाइस, अब जो मैं आप लोग को अगला डिफरेंस बताने वाला हूं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जब डिफरेंस है वो बताना तो बनता है। तो देखो, जब हम लोग पॉकेट एडिशन में क्रिएटिव से कुछ सामान लेते हैं तो वो हम लोग स्टैक के स्टैक मिलता है और सर्वाइवल में जाने के बाद भी वो स्टैक ही रहता है। और इन दी अदर हैंड अगर हम लोग जावा एडिशन में कोई सामान लेते हैं क्रिएटिव से तो वो हम लोग को एक एक मिलता है और सर्वाइवल में जाने के बाद भी वो एक एक ही रहता है। तो जो हमारा अगला डिफरेंस है वो पॉकेट एडिशन वालों के लिए काफी फायदेमंद है। लाइक हम लोग पॉकेट एडिशन को एक बार ओपन करने के बाद हम लोग उसको ऑफलाइन में भी खेल सकते हैं, लेकिन जावा एडिशन के लिए हम लोग को इंटरनेट चाहिए ही होता है। परंतु अगर आप लोग पॉकेट एडिशन में सर्वर में खेलते हो तो फिर आप लोग बिना इंटरनेट के नहीं खेल सकते उसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारा अगला डिफरेंस ये है कि हम लोग जावा एडिशन में फुल एकदम स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि हम लोगों ने कब कितने ब्लॉक्स तोड़े और कितने मॉब्स को फोड़े। लाइक आप लोग वर्ल्ड में जो कुछ भी करोगे आप लोग को सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, जस्ट लाइक योर क्रोम हिस्ट्री।
लेकिन गेस व्हाट, पॉकेट एडिशन में हम लोग को ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता है जिससे कि हम लोग ये सब देख पाए इजीली। एंड अगर मैं ये सब ऑब्जर्व करके आसान शब्दों में आपको बताऊं ना, तो पॉकेट एडिशन है हमारा माइनक्राफ्ट का इनकॉग्निटो मोड। अरे कहना क्या चाहते हो? यस गाइस, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड पे आप लोग कुछ भी करते हो तो उसकी हिस्ट्री कहीं भी सेव नहीं होती है, और पॉकेट एडिशन में भी आप लोग कुछ भी करो तो उसकी हिस्ट्री कहीं भी सेव नहीं होगी। ओके, तो जो हमारा अगला डिफरेंस है उसमें, अगर हम लोग बेडरॉक एडिशन में किसी एनिमल को कुछ फूड खिलाएंगे तो वो फूड का पार्टिकल हम लोग को दिखता है, लेकिन वही जब हम लोग जावा एडिशन में किसी एनिमल को कुछ खिलाते हैं तो उसका पार्टिकल हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। और गाइज, इन दोनों एडिशन के बीच नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही मस्त अंतर है। लाइक देखो, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि जब यहाँ पे बेडरॉक में स्नोफॉल होता है ना, तब यहाँ पे पेड़ की पत्तियों का कलर कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये चेंज होके एकदम व्हाइट हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे पेड़ की पत्तियां एकदम व्हाइट हो चुकी है, और जो कि अच्छा लग रहा है देखने में वैसे। लेकिन इन दी अदर हैंड, जब जावा एडिशन में स्नोफॉल होता है तो हम लोग को ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिलता है। लाइक यहाँ पे पेड़ की पत्तियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो हरी ही रहती है। एंड अगर सच बताऊं तो मेरे को दोनों का स्नोफॉल काफी अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोग को किसका स्नोफॉल ज्यादा अच्छा लगा। ओके गाइस, तो आज का हम लोग लास्ट डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, पॉकेट एडिशन में जब हम लोग किसी बेल के ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं तो वो बेल बजता है, जो कि लॉजिकल भी है, बजना भी चाहिए। एंड लॉजिक के हिसाब से जावा एडिशन में भी जब हम लोग ऐसा करेंगे तो जावा एडिशन में भी बेल बजना चाहिए। लेकिन गेस व्हाट गाइस, जावा एडिशन में जब हम लोग यही सेम चीज करते हैं तो बेल नहीं बजता है। तो देखो, जावा एडिशन वाला बेल तो नहीं बजा, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आएगा उसको जरूर से बजा सकते हो। और आप लोग मेरे को कमेंट करके भी बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग को इसके और भी पार्ट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो का लाइक एम जरूर से कंप्लीट करा देना। और मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।